और देश को कैसे प्रगति की राह पर लगातार आगे बढ़ाया जाए, इसकी कोशिश में लगातार पीएम मोदी लगे हुए हैं। ओमान के साथ रक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 8 अहम समझौते हुए। आखिरकार पीएम मोदी 3 देशों की अपनी पूरी यात्रा कर वापस भारत लौट आए हैं। पीएम का यह दौरा आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। ओमान के साथ रक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 8 अहम समझौते कर आखिरकार पीएम मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा पूरी कर भारत लौट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान कबूस से व्यापक स्तर पर चर्चा की और इस दरमियान भारत और ओमान ने रक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सहित 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच व्यापार और निवेश, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने में बातचीत हुई है। इसमें दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में कानून तथा न्यायिक सहयोग पर एक एमओयू भी शामिल है। दोनों देशों ने विदेश सेवा संस्थान, विदेश मामलों के मंत्रालय, भारत और ओमान राजनयिक संस्थान के बीच सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय ओमान की सल्तनत और रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान के बीच शैक्षिक और विद्वत्तापूर्ण सहयोग के लिए एमओयू हुआ है। यात्रा के अंतिम चरण में दुबई से यहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तान कबूस बिन साद अल साद के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की अगुवाई की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों ने नई ऊंचाई को छूते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान कबूस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान की राजधानी में कबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के राजनीतिक माहौल में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत और ओमान के संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के संबंधों को मजबूत करने में ओमान में रह रहे भारतीयों ने अहम भूमिका निभाई है। 90 लाख से अधिक भारतीय खाड़ी क्षेत्र में काम करते हैं और रहते हैं। ओमान में भारतीय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। उल्लेखनीय है कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामल्ला की यात्रा की थी। इस प्रकार वो फिलिस्तीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। मोदी ने ओमान आने से पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भी की। मोदी की इन 3 देशों की यात्रा को आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। देखना यह होगा कि केंद्र की मोदी सरकार की ये कवायद कब और किस तरह से राष्ट्रहित की यात्रा साबित होगी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।